हम जाएंगे सुपौल से गणपतगंज, वहाँ पर एक जेट मशीन सर्विस करना है, दूसरा राघोपुर में एक एसी इंस्टॉल करना है, और गणपतगंज में ही दो जेट मशीन सर्विस है, लेकिन एक जो कंफर्म हो नहीं पा रहा है, और एक तो है बीरपुर का, एकदम लास्ट बीरपुर का है। तो वहाँ पर पानी जो अंदर ही चुरा है उसको हम लगभग आज से 20 दिन पहले इंस्टॉल किए थे, तो उस टाइम पानी नहीं, मतलब चेक वो कर लिए थे सब कुछ, तो उस टाइम जो सही था, लेकिन अब जो पानी निकलने लगा अंदर की तरफ, तो उसको भी जा कर के देखेंगे। और जिस टाइम इंस्टॉल किए थे उस टाइम उसका सर्विस नहीं किए थे, तो उसका सर्विस भी करना है। तो सर्विस हम जेट मशीन ले लेंगे, तो सर्विस भी अगर कराने का होगा कस्टमर तो वो कर देंगे वहाँ पे। तो हम जो है पहले जेट मशीन सर्विस नहीं दिखाएंगे, उनको छोड़ करके स्किप करके एसी इंस्टॉलेशन का दिखाएंगे, और उसके बाद बीरपुर जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये 1.5 टन का यूनिट है, इंडोर यूनिट ये रहा और आउटडोर यूनिट ये है। रूम का साइज जो है काफ़ी है, लगभग 2 टन के हिसाब का है रूम का साइज, लेकिन यहाँ 1.5 टन लगा रहे हैं। यह टॉप फ्लोर भी है, तो हम कस्टमर को वो चीज़ बता दिए हैं कि ये मेंटेन जो कहिएगा कि अच्छे से कर लेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटी इसका कम है। आप चाहे तो अभी भी 2 टन का ला सकते हैं। बोला नहीं यही लगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो हम समझते हैं। तो बोले ठीक है निकल ना, वो इसमें रहता है, वो उसके हिसाब से देख लेते हैं, एम्पेयर एम्पेयर लिखा रहता है ना, उस हिसाब से मेजरमेंट कर लेते हैं। खड़ा कर दो ना, ओल्ड मॉडल है थोड़ा सा, ये 3 स्टार 1.5 टन का एसी है, और इसका एम्पियर जो मेंशन है 8.1 एम्पियर है, और सब एसी में तो 5 स्टार में 6.1 रहता है, ये 8.1 है। हमको लगता है ये हॉट एंड कोल्ड मोड है, मोड वाले एसी है। इंडोर यूनिट जो है यहीं पे लगेगा जहाँ पे अभी मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और भी वेंटिलेटर पीछे छिप जाएगा एसी के, थोड़ा ऊपर से दिखेगा। अब मार्किंग कर रहे हैं हम होल करने का, क्योंकि बैक टू बैक पाइप निकालना है हमको इंडोर यूनिट का, और आउटडोर यूनिट जो है इसी दीवार पे पीछे से लगेगा। इस यूनिट में जो है एक बैक्टीरिया फिल्टर दिया है, जिनको भी हम फार के इनमें सेट कर देंगे।
एसी के आउटडोर यूनिट के साथ रबर आता है इनका पेंदी में लगाने के लिए, तो वो रबर कितना आदमी क्या करता है कि नहीं लगाता, लगाना चाहिए क्योंकि वो वाइब्रेशन को रोकता है और नॉइज लेवल जो उससे कम हो जाता है, इसीलिए अनिवार्य है, इसीलिए तो कंपनी देता है। इनका पाइपिंग देख लीजिए कितने अच्छे से गोल करके और इस पर टाई मार दिए, किसी भी तरीके से नहीं हिलेगा। और ये पंखा जो थोड़ा सा दीवार में आधा आ रहा है, कस्टमर का कहना था कि इधर ज़्यादा मत लीजिए, जितना हो सके उधर दबा के लगाइए, तो हवा जो है पास हो जाएगा आराम से और पीछे से हवा जो फ्रेश हवा वो आराम से आ जाएगा इसमें। वैक्यूम करने के बाद इनका गैस खोले हैं और इनको जब डायरेक्ट चलाएं, देखिए पावर पॉइंट से जो दूर में पावर पॉइंट था तो तार जोड़ करके ले लिए हैं, अभी वायरिंग नहीं हुआ बिजली वाला, और डेमो दे करके अभी हम दिखा दे रहे हैं इसको। रिमोट में जो इनके रिमोट में ऑप्शन आ रहा है हीट मोड का, ये हीट मोड वाला ही होगा क्योंकि आउटडोर यूनिट को हम खोल के नहीं देखे हैं। शाही में एसी इंस्टॉलेशन करने के बाद अब आ गए अभी वीरपुर, यहाँ पर एक एसी का सर्विस करना है। इस एसी को जो है 15 से 20 दिन पहले हम इंस्टॉल किए थे, तो उस टाइम हम सब कुछ चेक कर लिए थे, पानी जो है नहीं निकल रहा था, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 4 दिन से पानी जो इसमें गिरने लगा है, तो उसी को खोल के अभी हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और देखते रहिए। देखिए मग से जब हम ट्रे में पानी दे रहे हैं तो सच में पानी जो पास नहीं हो पा रहा है, जबकि स्लो ब्लोब सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, ट्रे में ही सारा पानी जमा रह जा रहा है। इनको जब हम इंस्टॉल किए थे तो उस टाइम सर्विस नहीं किए थे क्योंकि बोले थे कि मशीन से कर देंगे, आज मशीन लेके आए हैं, देखते हैं इसका मूड सर्विस कराने का होगा तो कर देंगे। इनका पीछे से जो पानी का पाइप निकला है वो देख लीजिए, यहाँ है, अभी देखते हैं ये रहा इस तरह, यहाँ पे है ये पानी वाला पाइप, तो पानी वाला पाइप का तो स्लो ठीक ठाक है। देखिए अब अभी हम क्या किए हैं कि इनका ड्रेन पाइप को ही खोल लिए हैं और इसमें फूंक मार रहे हैं हम, तो हवा पास ही नहीं हो पा रहा है, अभी हम इसको बाहर ले आए पटक करके, देखते हैं निकाल के इसमें क्या से निकलता है। एक पत्ता निकला अभी हरा वाला, देखिए एकदम हरा हरा पत्ता है, मैम ये देखिए इतना सारा पत्ता निकला है इसके अंदर से, एकदम ताज़ा ताज़ा, ये एक दो दिन का ही पत्ता लग रहा है, ये पत्ता है क्या चीज़ का, क्या पता शीशम का पत्ता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पानी देखिए निकल रहा है, अब हम अंदर से मग से डाल रहे हैं, ये पीछे से निकल रहा है, तो ये ओके हो गया। आप सर्विसिंग के लिए कह रहे हैं तो कराना ना, छोड़ दीजिए, अब पानी वाला ठीक हो गया है तो अब सर्विसिंग नहीं कराएंगे कस्टमर।